सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंक एस 41 यूट्यूब चैनल। सो गाइज, यहाँ पे ये शिफ्टर हो गए हैं अब पुराने, तो इसलिए तुम्हारे भाई ने नए शिफ्टर मंगाए थे जो वो आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में होने वाला है न्यू शिफ्टर इंस्टॉलिंग, और इसका जो शिफ्टर गायब है तो ये वाला शिफ्टर मैंने वापस निकाल लिया, तो ये वाला शिफ्टर मैं इसमें वापस लगा दूंगा ताकि इसका भी लुक अच्छा आ जाए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा अपना अमेजोन का जो बॉक्स है, ये देखो amazon.in से आया है ये, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। एंड ये रहा अपना अनबॉक्सिंग नाइफ, ये तो आराम से इसको खोलेंगे अपन। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो। तो चलिए शिफ्टर्स देखते हैं अपने। तो सबसे पहले शिफ्टर ये रखा है एंड दूसरा शिफ्टर ये रखा है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये देखो गाइस, ये रहे शिफ्टर। बताओ कैसे लग रहा है। ये पहला वाला शिफ्टर है और ये दूसरा वाला शिफ्टर है। तो देखो ओरिजिनल, ये फर्स्ट कॉपी है गाइस, ये ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है। एंड देखो इसको पहले यहाँ से लो करेंगे एंड इसको भी देख लेते हैं। ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस, मैंने इनको पहले ही चेक कर लिया था, इसलिए इसका एक का बबल रब में से घूम गया। तो इसको लगाने के लिए आपको एक प्लायर और एलन की जरूरत पड़ेगी। ये 5 नंबर की एलन की है। तो चलिए इसको इंस्टॉलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें वायर लगा रहता है शिफ्टर का, उसको निकाल लेंगे। तो गाइस, अभी मैंने इसकी दोनों की जो पूरी केबल्स हैं ये इनको निकाल दिया है, सिर्फ वायर बची है। एंड अब इनको भी जल्दी एलन की बोल्ट से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रू होता है, एलन की बोल्ट है ये, तो इनको लूज करके इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। और पहले ग्रिप निकालनी है, फिर इसको लूज करके इनको बाहर निकालना है। तो ये काम भी कर लेते हैं। तो गाइस, मैं बताने भूल गया कि ब्रेक्स को भी रिमूव करना है। ब्रेक वायर कहाँ जाएगी, तो ब्रेक वायर भी अपन को रिमूव करना है। तो ब्रेक वायर मैंने पीछे वाली रिमूव कर दिया है, अभी आगे वाला रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ से भी इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए काम भी जल्दी से कर लेते हैं। सो गाइज, इट्स टाइम कि अपन इसको फिक्स कर दें, जो नया शिफ्टर है अपना। इसको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं हाथ से ही एंड इसको बिठा देते हैं। सो गाइज, इट्स अ नेक्स्ट डे और मैंने पूरी वायरिंग कर दी है। वायरिंग के टाइम लैप्स में ले नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज से, तो इसलिए टाइम लैप्स ले नहीं पाया। तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज, इसका जो पहला वायर है वो यहाँ गया है ब्रेक्स पे,
और जो ये शिफ्टर का वायर है वो यहाँ से होते हुए पीछे शिफ्टर के लिए गया है, और इसका वायर सेम पीछे गया है ब्रेक के लिए, और ये वाला गियर के लिए गया है पूरा। तो ये वाला आप जैसा कि देखेंगे तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल वाला है जो इसमें लगा हुआ था। मैंने क्या किया है कि इसका जो कवर है ये चेंज कर दिया, क्योंकि शिफ्टर तो एकदम सही है और शिफ्टर एकदम अच्छे से वर्क भी कर रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पर जो नया वाला शिफ्टर है उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम मेरी वजह से ही हो गई, वो थोड़ा मैंने उसको हार्डली प्रेस कर दिया तो इसलिए उसका एक गियर काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका एक गियर क्यों काम नहीं कर रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पुराना जो नया वाला शिफ्टर है वो है अपना, तो आप जैसा कि देखेंगे कि इसका एक हाई पे ये जा रहा है पर ये दूसरा वाला नहीं चढ़ रहा है, और इसमें कोई एडजस्ट करने का, जैसे अपने शिमानों में एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बोल्ट होता है वो नहीं है, ये एडजस्ट भी नहीं हो रहा है। तो अब इसको मैंने इसलिए हटा दिया, मैंने ओरिजिनल वाला ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आपको बता दिया मैंने कि ये मैंने क्यों नहीं लगाया। सो गाइस, इस वीडियो पे एम रखते हैं 500 लाइक्स का एंड 300 कमेंट्स का। आई नो आप लोग कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे, एंड जैसे ही 500 लाइक्स का और 300 कमेंट्स का टारगेट पूरा होता है तो मेरे को जो 5 लोगों के कमेंट सबसे अच्छे लगेंगे तो मैं उनको उनका चैनल अपने यूट्यूब स्टोरीज में मेंशन करूँगा। तो अगर आपको भी अपना चैनल मेंशन करना है तो कमेंट और लाइक अभी कर दो, और चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो गाइस, यही था आज की वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।